नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की 10 बड़ी लोकसभा सीटों पर, चर्चा करेंगे कौन से पार्टी के प्रत्याशी की होगी जीत। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे आपको। बता दें, सबसे पहले हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की। तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के अंदर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी सीपी जोशी को उतारा, तो वही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उदयलाल आंजना को मैदान में उतारा है। वहीं यहाँ पे चुनावी माहौल और मतदान के प्रतिशत के आधार पर उदयलाल आंजना की जीत पक्की मानी जा रही है। वहीं हम बात करें जयपुर शहर लोकसभा सीट की, तो जयपुर शहर लोकसभा सीट के अंदर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी मंजू शर्मा को मैदान में उतारा, तो वही कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में उतारा है। मतदान प्रतिशत के आधार पर, वही जातीय समीकरण और चुनावी माहौल के आधार पर यहाँ पे मंजू शर्मा की जीत पक्की मानी जा रही है। बात करते हैं कोटा लोकसभा सीट की, तो कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी ओम बिरला, तो वही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा था। जातीय समीकरण के साथ साथ मतदान प्रतिशत, साथ में चुनावी माहौल के हिसाब से यहाँ पे दोनों प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बात करते हैं नागौर लोकसभा सीट की, तो नागौर लोकसभा सीट के अंदर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी ज्योति मिर्दा को मैदान में उतारा था, तो वही कांग्रेस प्लस आरएलपी के गठबंधन ने हनुमान बेनीवाल को मैदान में उतारा था। मतदान प्रतिशत के साथ साथ जातीय समीकरण, वही चुनावी माहौल के आधार पर यहाँ पे हनुमान बेनीवाल को मजबूत बताया जा रहा है। वही हम बात करते हैं अजमेर लोकसभा सीट की, तो अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा था, तो वही कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा था। यहाँ पर मतदान प्रतिशत, जातीय समीकरण के साथ साथ चुनावी माहौल के आधार पर रामचरण चौधरी को मजबूत बताया जा रहा है। वही हम बात करें चूरू लोकसभा सीट की, तो चूरू लोकसभा सीट के अंदर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी देवेंद्र जाजड़िया, वही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी राहुल कसवा को मैदान में उतारा था। यहाँ पे मतदान प्रतिशत, जातीय समीकरण, वही चुनावी माहौल के हिसाब से राहुल कसवा को मजबूत बताया जा रहा है। वही बात करें हम जोधपुर लोकसभा सीट की, तो जोधपुर लोकसभा सीट के अंदर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, तो वही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा को मैदान में उतारा था। यहाँ पे जातीय समीकरण के साथ साथ मतदान प्रतिशत, वही चुनावी माहौल के हिसाब से करण सिंह उचियारडा को मजबूत बताया जा रहा है। वही बात करें हम भीलवाड़ा लोकसभा सीट की, तो भीलवाड़ा लोकसभा सीट के अंदर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी दामोदर दास अग्रवाल को मैदान में उतारा, तो वही कांग्रेस ने सीपी जोशी को मैदान में उतारा था। यहाँ पे जातीय समीकरण के साथ साथ चुनावी माहौल के हिसाब से दोनों के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वही हम बात करें अलवर लोकसभा सीट की, तो अलवर लोकसभा सीट के अंदर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भूपेंद्र यादव, तो वही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। यहाँ पे मतदान के प्रतिशत, जातीय समीकरण, वही चुनावी माहौल के हिसाब से ललित यादव को मजबूत बताया जा रहा है। वही हम बात करें पाली लोकसभा सीट की, तो पाली लोकसभा सीट के अंदर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी पीपी चौधरी, वही कांग्रेस ने प्रत्याशी संगीता बेनीवाल को मैदान में उतारा था। यहाँ पे मतदान के प्रतिशत, वही जातीय समीकरण, वही चुनावी माहौल के हिसाब से दोनों के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कमेंट करके बताइए आप कौन से लोकसभा सीट के बारे में जानना चाहते हो, ताकि आने वाले वीडियो में आपकी लोकसभा की सीट के बारे में भी जानकारी आपको प्रदान करा सके। चलो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।